अशुद्ध घमंड में। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केंद्र सरकार पर हमला बोलने का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हरियाणा के दादरी स्थित स्वामी दयाल धाम में माथा टेकने पहुंचे मलिक ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन जारी रहने के दौरान वे प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे। जब मुलाकात हुई तो वे बहुत घमंड में थे। मलिक ने यह भी कहा कि जब वे गृह मंत्री अमित शाह से मिले तो उनका कहना था कि किसान आंदोलन को लेकर पीएम को गलत फीडबैक दिया गया है। आपको बता दें कि वे किसान आंदोलन के समय भी केंद्र सरकार पर हमला करते रहे हैं। सतपाल मलिक मेघालय से पूर्व गोवा, जम्मू कश्मीर, बिहार और ओडिशा राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के समय मलिक ही वहां के राज्यपाल थे। स्वामी दयाल धाम में माथा टेकने पहुंचे मलिक को दादरी के फोगाट खाप ने सम्मानित किया। इसके बाद मलिक ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। मलिक ने कहा, मैं किसानों के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गया, वहां मेरी 5 मिनट में ही लड़ाई हो गई। प्रधानमंत्री बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा कि 500 लोग मर गए हैं तो उन्होंने कहा मेरे लिए मरे हैं। मलिक ने कहा कि पीएम ने उन्हें गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की सलाह दी। इसके बाद वे शाह से मिले। शाह ने कहा कि सत्यपाल, लोगों ने उन्हें गलत फीडबैक दिया है, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, किसी न किसी दिन उन्हें यह बात समझ में आ जाएगी। सतपाल मलिक यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि स्थगित हुआ है। किसानों के साथ कोई नाइंसाफी या अत्याचार हुआ तो यह दोबारा शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों को MSP पर कानूनी गारंटी देना चाहिए। सरकार को ईमानदारी दिखाते हुए किसानों पर दर्ज केस तुरंत वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए जरूरत पड़ी तो वे गवर्नर का पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सतपाल मलिक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हैं। वो जाट बिरादरी से आते हैं। मलिक 1974 में चौधरी चरण सिंह के किसान दल से पहली बार बागपत की ही सीट से विधानसभा का चुनाव जीत करके और UP विधानसभा पहुंचे थे। अब राज्यपाल सतपाल मलिक के इस बयान से फिलहाल किसानों और MSP का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। आपको याद दिला दें कि बीते 11 दिसंबर को केंद्र सरकार के लिखित आश्वासन के बाद किसानों ने दिल्ली सीमा से घर वापसी की थी। इस दौरान सरकार से किसान संगठनों के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के लिए कमेटी बनाने पर सहमति बनी थी। हालांकि अभी तक इस कमेटी का गठन नहीं हुआ है। आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए केस भी वापस नहीं हुए हैं। आंदोलन में मारे गए किसानों के आश्रितों को मुआवजे की स्थिति भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। किसान संगठनों ने दावा किया था कि आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है। साथ ही सरकार से सभी मृतक किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की थी। किसानों ने बिजली बिल और प्रदूषण कानून पर भी आपत्ति जताई थी। इस पर भी केंद्र सरकार ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। केंद्र से आश्वासन के बावजूद किसानों की सभी मांगे अधर में ही हैं। सतपाल मलिक के दावे पर अब अलग अलग किसान संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। भारतीय किसान यूनियन दोआबा के प्रधान मनजीत सिंह राय ने कहा कि गवर्नर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह आपसी बात है, लेकिन हमें लगता है कि यह सच ही होगा। पीएम मोदी अहंकारी हो चुके हैं, इसी वजह से 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन कृषि कानून वापसी में इतना लंबा वक्त लिया गया। किसान यूनियन नेता राजेंद्र सिंह दीप सिंह वाला ने कहा कि यह सही बात है कि प्रधानमंत्री मोदी अहंकारी हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो किसान आंदोलन इतना लंबा नहीं चलता। अंत में सुनते चले कि सतपाल मलिक ने आखिर क्या कहा। किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो, मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्पाल। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो, मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्पाल। इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए।